विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आज हाऊं एक बारी भी कने बड़ी काशी ते तुसा सभीरा और छोटी काशी से सभी देव देवियारा आशीर्वाद लेना आईरा। और बहनों, कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी कैसी राजनीति करना चाहते हैं ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस कहती है कि अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए, देशद्रोह का कानून खत्म होना चाहिए, सैनिकों को मिला विशेष अधिकार, एक रक्षा कवच है वो खत्म होना चाहिए। मैं जरा मंडी में आज इतने बड़े जनसागर को एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? ऐसे मरी मरी आवाज मंडी की नहीं होती है। अरे फोटो नहीं दिखानी है, जवाब दोगे क्या? मान लिया फोटो हर एक के पास है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भारत के टुकड़े करने और हमारे जवानों को लाचार करने की साजिश रचते हैं, क्या उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं? उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिमाचल की धरती से ऐसे दल और ऐसे दल की विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? भाइयों और बहनों, कांग्रेस और उससे जुड़े लोग हमारे वीर जवानों और उनके परिवारों के लिए कैसी सोच रखते हैं ये भी भाइयों बहनों, हिमाचल ये वीर माताओं की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, यहां की माताएं वीर संतानों को जन्म देती हैं जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका बेटा सीमा पर मातृभूमि की रक्षा न करता हो, देश के लिए खड़ा न हो। लेकिन साथियों, मैं नहीं जानता हूं हिमाचल के मीडिया ने बात छापी है कभी नहीं छापी है, मैं ये भी नहीं जानता हूं कि हिमाचल के टीवी वीडियो वालों ने भी कभी इसको दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, कर्नाटका में भी चुनाव हुआ, एक आध साल हुआ, कर्नाटका में कांग्रेस ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है, और ये ऐसे मुख्यमंत्री है कर्नाटका के कि उनके पिताजी कभी भारत के प्रधानमंत्री थे, भले टेम्पररी लेकिन थे, उनके ये मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि सेना में वही जाता है जो भूखा मरता है, जिसके पास, सुनिए अभी तो सुनिए,